ये चेक करें, ऊपर साइज दिखा दीजिएगा हमें। एक इधर जो बारीक कटा हुआ चर्बी था, अब ऊपर से उसे गार्निशिंग किया जाएगा। ऐसी ऐसी पीसेस आपको दो पीसेस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम आ गए पटना में न्यू सचिवालय मैगलेस रोड में। पता ही आपको, यहाँ पे लगता है मटन का मेला। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 शॉप है मटन की। तो 2 से 3 शॉप की मैंने वीडियो दिखा रखा था, एक शॉप कवर करने को बच गया था। उस शॉप का नाम क्या है, एक बार हमारे राइट साइड में आपको कैमरामैन को बोलेंगे दिखाने के लिए। मगध मीट हाउस। मटन की मेकिंग जो है पूरी शूट कर ली है। इंट्रो का पार्ट थोड़ा लेट शूट कर रहे थे, सुबह के आ गए थे 7 बजे। देख के लग रहा है कि मटन लाजवाब बना है। तो चलिए पहले आप लोग पूरी मटन की मेकिंग देखिए, फिर उसे करेंगे टेस्ट, बताएंगे कैसा टेस्ट। एड्रेस आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, न्यू सचिवालय मैगलेस रोड में गेट नंबर 12 के सामने है इनका दुकान। तो इधर ओनियन की कटिंग स्टार्ट हो गई है। ये सारा प्याज जो है मटन के लिए काटा जा रहा है। कढ़ाई में जो सरसों तेल डाल दिया गया। तो कितना केजी सरसों तेल है भैया? 1 केजी है। 1 केजी है, तो चलिए तेल हो गया गर्म, अब डाला जाएगा तेज पत्ता, लाल मिर्च और खारा गर्म मसाला। इसमें प्याज के थोड़ा बिरयानी करेंगे। और ये देखिए, ये कितना केजी कटा हुआ प्याज है भैया? ये 15 केजी है। ये सारा मटन में जाएगा जी? इसको अभी फिलहाल फोरन बना देंगे। पहले थोड़ा सा 1 से 1.5 केजी प्याज कटा हुआ डाल रहे हैं बिरयानी के लिए, नहीं कि मसाला तैयार हो। मटन मसाला तैयार हो। मटन का मसाला तैयार करने के लिए 1 से 1.5 केजी प्याज जो है भैया पहले डाल दिए हैं। पहले मसाला तैयार करते हैं फिर मटन डालते हैं क्या? जी। तो पहले भैया मसाला तैयार करते हैं फिर इसमें डालेंगे मटन। तो ये दिखाते हैं 1 बाय 1 पूरा प्रोसेस कि कैसे तैयार होता है। फोरन बना रहे ना बिरयानी भैया जी, इसमें चिकन का मसाला भी निकलेगा। मटन चिकन दोनों के लिए यही मसाला यूज होगा जी, इसी में। तो ये देखिए, ये जो बिरयानी भैया बना रहे हैं, बिरयानी आप लोग ये मत समझिए कि वो खाने वाली बिरयानी, मसाला को बोलते हैं। यहाँ पे जो मसाला तैयार किया जा रहा है, ये मटन में भी ये सेम मसाला यूज होगा, चिकन में भी सेम मसाला। एक बार आप लोग प्याज का कलर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से पूरे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया जा रहा है प्याज, जो बिल्कुल अच्छे से हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें है लहसुन और हरा मिर्च का। देखिए नीचे हरी मिर्च का पेस्ट है, ऊपर लहसुन का पेस्ट है। इसमें है गोलकी जीरा का पाउडर। अब डाला जा रहा है लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और अब डाला गया गोलकी और जीरा का पाउडर। मतलब एकदम सारा मसाला पूरे अच्छे से डाल दिया। आप लोगों को लग रहा होगा कि मटन में पूरा बस मसाला मसाला ही होगा, बट ये मसाला जो है मटन चिकन दोनों में यूज़ किया जाएगा। अब आ गया हल्दी पाउडर। यहाँ पे एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे भैया बता रहे थे कि लाल मिर्च पाउडर का जो मटन में या चिकन में हम लोग यूज करते नहीं है, जो भी होता है हरा मिर्च का पेस्ट बना के लाते वो देते हैं, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है हमारे शरीर को। तो इस मसाला को आप कंटिन्यू इसी तरीके से 20 मिनट और भुना जाएगा। चलिए बिल्कुल अच्छे से मसाला को भुनाने देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों को पूरा लाल नहीं देखने को मिला हो, क्योंकि यहाँ पर रेड चिली का बिल्कुल यूज किया नहीं जाता है, ओनली कश्मीरी मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, ये जो बिरयानी तैयार की जा रही थी ना, यही बिरयानी चिकन में भी सेम यूज होती है, मटन में भी। देखिए थोड़ा मसाला जो है चिकन के लिए निकाल लिया गया। अब जो है इसमें डाला जाएगा प्याज, रेस्ट मसाला मटन में जाएगा, उसमें डाल दिया गया 15 केजी प्याज ना भैया, 15 केजी बारीक कटा हुआ प्याज। ये देखिए, अब प्याज को जो है मसालों के साथ बिल्कुल अच्छे से गलाया जाएगा। 15 से 20 मिनट इस प्याज को मसाले के साथ अच्छे से पकाया जाएगा। जब ये प्याज थोड़ा सा पानी छोड़ने लगेगा और प्याज थोड़ा घुलने लगेगा, फिर इसमें डाला जाएगा मटन, और ऊपर से डाला जा रहा है नमक। मसाला अंकल बता रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे से भुना गया है। अब मेन काम है प्याज गलाना, उससे भी ज्यादा मेन काम है मटन को पकाना। अपने हाथों का मटन अच्छा लगता है कि नहीं? अपने हाथ से बनाएंगे जी, अपने हाथ से ही बना के खाते हैं जी, मतलब दूसरे के हाथों का उतना पसंद नहीं आता है। तो भैया बता रहे हैं कि अपने हाथों से जो बनाते हैं मटन, वही इनको पसंद आता है, और यहाँ के लोगों को भी आप ही के हाथों का मटन पसंद आता है। बहुत सारा कस्टमर खाते हैं हमारे यहाँ से। देखिए नमक डालने से क्या हुआ, प्याज बिल्कुल कम समय में पूरे अच्छे से गल गया, और देखिए पूरा पानी छोड़ने लगा। तो इधर आ गया सारा फ्रेश मटन, ये चेक करें। ये देखिए सारा मटन जो आ गया। अब ये ऐड किया जाएगा जो इधर प्याज पकड़ा है उसमें, जो ये मटन है ना सारा ऐड किया जा रहा है इस मसालों में, ये चेक करें। देखिए मटन की रंगत तो लग रही है कि मटन जो है पूरा फ्रेश है। पीसेस का एक बार साइज दिखा दीजिएगा हमें। एक देखिए पीसेस का साइज भी काफ़ी बढ़िया है, लल्ली पीस है जी, और देखिए नल्ली राम जी, आपको जो पीसेस चाहिए वो मिल जाएगा। देखिए सारा मटन इसमें जो मसालों में ऐड कर दिया गया है। अब इसे पकने में कितना टाइम लगने वाला है? कम से कम लगभग 40 मिनट। तो 40 से 45 मिनट मटन जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मटन को जो है प्याज के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी एक चीज़ कि मटन को यहाँ पे धोया नहीं गया, पहले ढक्कन पे निकाला गया। ढक्कन पे निकालने के बाद डायरेक्ट इसमें जो है ऐड कर दिया गया। तो भैया बता रहे थे कि मटन को जो है धोया नहीं जाता, क्या भैया जी धोते क्यों नहीं है?
धोएंगे इसलिए नहीं धोते हैं जी, कि मटन का जितना जो टेस्ट रहता है सब निकल जाता है, निकल जाएगा जी। इससे अच्छा है कि बिना धोले ही डालिएगा, मटन फ्रेश कटता है हम लोग के यहाँ जी जी। देखिए बिल्कुल साफ है मटन, इस वजह से भैया मटन धोते नहीं है, लग रहा है बिना धोए मटन इसमें डाल देते हैं। तो चलिए मटन को थोड़ा पकने देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। 40 मिनट कम से कम लगेगा मटन को पकने में। तो देखिए इसमें मटन डाला हुआ हो गया लगभग 20 मिनट। देखिए मटन और प्याज दोनों जो है पानी छोड़ने लगा, ये देखिए लग रहा हुआ आप लोगों को ग्रेवी डाल दिया गया, बट ये जो पानी है मटन और प्याज का है ना, रंगत जो निकल के आ रही है ना बिल्कुल एकदम लाजवाब। भाफों की वजह से मैं थोड़ा सा दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो देखिए इधर जो है सारा लहसुन आ गया, सारा लहसुन को जो है बिल्कुल अच्छे से साफ किया जा रहा है, उसके बाद जो है इसे ऐड किया जाएगा मटन में। तो चलिए सारा लहसुन को बिल्कुल अच्छे से साफ करने देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए ये जो है लड़ को छोटे छोटे पार्टों में काट लिया गया है, अब जो है इसे ऐड किया जाएगा इस मटन में। ये चेक करें लड़, यहाँ पे एक चीज अच्छी लगती है कि यहाँ पे लड़ जो है बॉयल करके फिर ऐड किया जाता है। तो लहसुन जो है इसमें ऐड हो गया, लड़ भी ऐड हो गया, तो अब इसमें ऐड किया जा रहा है मटन मसाला। मिनट लगभग हो चुका है भैया जी, तो 10 से 15 मिनट में माल रेडी हो जाएगा। तो देखिए भैया बता रहे मटन जो है लगभग रेडी हो चुका है, 10 से 15 मिनट का समय और लगने वाला है। एक बार मैं रंगत दिखाऊं आपको, रंगत जो है बिल्कुल अच्छे से निखर के आ गया। इसमें थोड़ी ग्रेवी भी ऐड कीजिएगा। हाँ, हल्का पानी डालेंगे जी। ये देखिए नली वाली पीसेस देख के बिल्कुल लग रहा है ना गजब का, सारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भुना गया, मटन भी भुना गया। अब इसमें थोड़ा सा ग्रेवी ऐड होगा। देखिए बिल्कुल देसी टेक्निक का यूज किया जा रहा है, जिस ढक्कन से मटन ढका जा रहा है उस पर ही थोड़ा पानी डाल दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, मटन के स्टीम से पानी गर्म हो जाएगा ना, और यही पानी जो है मटन की ग्रेवी में यूज कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल देसी टेक्निक का यूज किया जा रहा है। अब डाला जा रहा है खड़ा गरम मसाला पाउडर। आपको भी पता है कि खड़ा गरम मसाला का पाउडर डालने के बाद जो मटन होता है ना पूरा रेडी हो जाता है, तभी ऐड किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मटन हो गया है पूरे तरीके से रेडी, और 2 से 3 मिनट का और समय लगने वाला है, उसके बाद डायरेक्ट मटन जो है खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये इधर जो बारीक कटा हुआ चर्बी था, अब ऊपर से उसे गार्निशिंग किया जाएगा। इससे जो एक रोगन तो अच्छा आता ही है, और इसका जो टेस्ट होता है ना मटन में, मटन की ग्रेवी में जो इसका टेस्ट आएगा ना बिल्कुल एकदम लाजवाब। तो सारी चर्बी को चारों साइड से बिछा दिया गया। तो देखिए जो चर्बी डाला गया था, चर्बी जो है ऊपर आना शुरू हो गया, फूलना शुरू हो गया। तो फाइनली इधर मटन बन के उस चूल्हे पे से इधर रख दिया गया। एक बार आप रंगत चेक करें, अभी जो पूरे अच्छे से जम गया है मटन, उस टाइम पे मटन गर्म था तो मैं रोगन दिखा नहीं पा रहा था। एक बार आप रोगन चेक करें, ये देखिए रोगन बिल्कुल गजब का, चर्बी जो है सारी फूल गई है। एक बार चला के दिखाइए, थोड़ा सा लग रहा है बिल्कुल गजब का मटन, देख के माउथ वाटरिंग हो रहा ना। ये एक चुस्ते का क्या प्राइस रहता होगा, इस चुस्ते का जो प्राइस है 250, चुस्ते का साइज जो है काफी बड़ा है, 150 रुपये में। देखिए ऐसी आपको 2 पीसेस मिलेंगी 150 रुपये में और चावल। तो चलिए हम लोग भी लगवाते हैं अपना प्लेट, करेंगे टेस्ट, बताएंगे कैसा है टेस्ट। तो इधर लगाया जा रहा हमारा प्लेट, ये देखिए चावल की, और मैं आप लोगों को क्वालिटी दिखा दूं बिल्कुल फ्रेश। तो देखिए आपको जो पीसेस चाहिए वो आप आके यहाँ पे ले सकते हैं, बस भैया को बताइए भैया हमको ये पीस चाहिए, भैया बस ढूंढ के एकदम आपको लगा देंगे आपकी प्लेटों में। ओहो, तो फाइनली गाइस अब जो है मगध होटल का स्पेशल मटन करी आ गया। ये एक बार अपना रंगत देखिए, देख के लग रहा है बिल्कुल गजब का एकदम। अब मैं क्या ही बताऊँ, सुबह से बस पूरी मेकिंग देखी है, बिल्कुल शिद्दत से बनाए। ये देखिए ग्रेवी चेक करें, ओनियन की पूरी ग्रेवी है, बट ओनियन का बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। ये चेक करें ग्रेवी जो लग रही है ना बिल्कुल एकदम रोगन अच्छे से छलक रहा है। ये जो रोगन है ना मटन बनने के बाद जब चर्बी का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना वो डालने से आया है। ये जो पूरी प्लेट पड़ी है मुझे पड़ी है 150 रुपये की। ऐसी पीसेस आपको 2 पीसेस मिलेंगी 150 रुपये में, और पीसेस का साइज देखिए बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, जैसा रहना चाहिए मीडियम पीसेस मुझे लग रहा है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री ये चर्बी, अब थोड़ी सी हम लोग ग्रेवी के साथ करते हैं टेस्ट। ये देखिए ये ग्रेवी डालेंगे सीधा राइस पे चर्बी के साथ, वाह। ये जो रोगन है ना ये चर्बी का रोगन है, ये जो रोगन है ना ये चर्बी का है। तो चलिए इसको राइस के साथ मिक्स करते हैं। अभी जस्ट मटन बन के आया है, तो भाफों से आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल गर्मा गर्म है। चावल भी जस्ट तैयार हुआ है, मटन भी जस्ट तैयार हुआ है। ओह थोड़ा सा गर्म है बट हम लोगों को अब रुका जा नहीं रहा है। चलिए राइस के साथ जो है ग्रेवी मिक्स कर ली है, थोड़ी सी चर्बी डाल दी है, इस पर थोड़ा सा ओनियन, एक अच्छी सी बाइट हम लोगों ने रेडी कर लिया। राइस के साथ ग्रेवी, थोड़ी सी चर्बी है, चलिए इसे करते हैं टेस्ट। करें टेस्ट, क्या ही कहना इस जगह को लेकर। हल्का स्पाइसी, सारा मसाला बिल्कुल बैलेंस, हरी मिर्च का जो तीखापन है वो बिल्कुल फील हो रहा है। यहाँ से हम लोग एक बार पीसेस निकालेंगे। अब ये तो हम सबकी फेवरेट पीसेज है नली वाली, तो नली वाली पीसेस को यहाँ रखते हैं, इसकी क्वालिटी देखते पकी हुई कैसी है। ये देखिए इसमें से जो हड्डी है वो मुझे लगता है इजीली निकल जाएगा, अभी इतना गर्म है कि अब मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए हड्डी बिल्कुल आराम से जो है मांस हड्डी को छोड़ दे रही है, ये चेक करें। चलिए आइए बिल्कुल पास, क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया हम लोगों ने। अब इसको साइड करते हैं, एक बार आपको पीसेस की क्वालिटी दिखाते हैं। ये देखिए पीसेस के साथ मिक्स करो,
चलिए मटन की पीसेस के साथ ये बाइट ना बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल होगी क्योंकि इसमें चर्बी भी है। चलिए मेरे समझ से ये जगह आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। अगर आप लोग कभी ये सचिवालय रोड आते हैं तो यहाँ आके मगध होटल में आके यहाँ का मटन जरूर ट्राई करें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम वहाँ जाके हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।